मेरा नाम कल्पना सोई है, मैं पालघर जिले से विरार से हूँ। मेरे पिताजी को पैर का इन्फेक्शन था, ये पिछले 3-4 महीने से पैर में से ये इन्फेक्शन चालू हुआ था। मैंने विरार में 2-3 डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने हॉस्पिटल में मेरा एडमिट करने बोला था। उनका कहना था कि पहले हॉस्पिटल में एडमिट करो, 50,000 डिपॉजिट और टोटल 3.5 लाख खर्चा आ जाएगा उनका ये पैर ठीक करने के लिए, सर्जन ने बोला था मुझे। बॉडी रिवाइवल के मामले में असल में मुझे ही पता चला कम से कम 20-25 साल पहले, जब मुझे बैक एक था, तो उस वजह से मुझे बॉडी रिवाइवल का ऑलरेडी पता था, इसलिए मैं ये साइंटिस्ट मुनीर खान जी से ये दवा लेकर गई थी मेरे पिताजी के लिए। बॉडी रिवाइवल जब भी मैंने फर्स्ट डोज दिया तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन उनको काफ़ी तकलीफ हुई, सेकेंड थर्ड डोज में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, थर्ड डोज के बाद उनका थोड़ा थोड़ा दर्द कम होने लगा, जो इन्फेक्शन था वो अपने आप निकल गया। मेरे पिताजी को अभी काफ़ी पहले से फ़र्क है, और उनकी उम्र 80 ईयर्स की है, लेकिन उम्र के हिसाब से वो काफ़ी एनर्जेटिक है। हाँ, मैं ऑलरेडी उनको सब मेरे जो भी रिश्तेदार है, किसी को अलग अलग मतलब डिजीज हुई थी, तो उनको मैंने बॉडी रिवाइवल ही रिकमेंड किया है। बॉडी रिवाइवल ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो वो नेचुरली बाकी दवाई एलोपैथी के हिसाब से काफ़ी असरदार है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेदिक दवा जो है उनका असर भले स्लो है, लेकिन कंपेरिजन टू एलोपैथिक मेडिसिन आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल होती है। साइंटिस्ट मुनीर खान जी, उनकी तारीफ जितनी की उतनी कम है, वो एक अच्छे इंसान है, काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है, और उनकी जो ये बॉडी रिवाइवल दवा है वो एक मरते इंसान को एक लाइफ देने वाली दवा है।